अच्छा जी, एक बात ये तय है कि हमारी जो ऑडियंस है वो हमारा बहुत बड़ा सहारा होती है पूरी ट्रांसमिशन में. उनको देख के हम बड़े एनर्जाइज होते रहते हैं. यहाँ हमारे जो दोस्त भाई बहनें सब साथी यहाँ पर मौजूद होते हैं, तो एक दफ़ा आप लोग अपने लिए तालियां बजाते हैं भाई, एक दफ़ा ज़बरदस्त. और आज की ऑडियंस तो वैसे भी बहुत खुश भी है और मैं कहूँगा खुश नसीब भी है. शाहिद खान आफरीदी साहब आज माशाल्लाह हमारे दरमियान मौजूद है. ज़रा कुछ गिफ्ट नंबर लाला के लिए तालियां बजाते हैं भाई एक दफ़ा. ये जो लाला कहते हैं शाहिद आफरीदी को, ये लाला का क्या मतलब है? लाला का क्या मतलब होता है? भाई भाई. हाँ भाई मतलब होता है. अच्छा ये बताएं कि पाकिस्तान के किस बॉलर को, आसान सा सवाल है, पिंडी एक्सप्रेस किसको कहा जाता है? एक दो सवाल क्रिकेट के जवाब दे दें फिर आप सुना लीजिएगा, जिस जिसको शेर सुनाना है सुना लीजिएगा. शोएब अख्तर को कहा जाता है रावल पिंडी एक्सप्रेस. एनिक्स का इनाम दे भाई आंटी को, और आंटी को भी दें जिन्होंने पहले सवाल का जवाब दिया. अच्छा एक टर्म है, थोड़ा सा अगर मेरी ऑडियो बढ़ा सकते भाई, BCCI. BCCI ये किसको कहते हैं? क्रिकेटिंग टर्म है. हैं? शेर सुना है भैया, छोड़ो शेर सुना. आप भी शेर सुनाओ, मुशायरा कर लेते हैं यहाँ पे भी. मैं बाजी रुकैया हूं. हां आप बाजी रुकैया जी, बाजी रुकैया शेर सुनाए. पिछले दो सालों से आपसे आप बाजी रुकैया बोलते हैं, घर में सब मुझे बाजी रुकैया बोलते हैं. आप नाम रुकैया वाकई? वाह वाह, तालियां बजा दें बाजी रुकैया के लिए. फूल तो वो होते हैं गुलाब जैसा कहां, शो तो वो होते हैं पर, ट्रांसमिशन तो वो होते हैं पर, शाने रमजान जैसे कहां. हां ये बना नहीं है लेकिन ठीक है, आपने हमारे लिए बोला है ये डब्बे में डब्बा टाइप का ले. बहुत तालियां बजाते हैं बाजी रुकैया के लिए भाई. गिफ्ट तो लाओ, एनिक्स के गिफ्ट लाओ. ये डब्ल्यू में एनिक्स का दे रहे. अच्छा जी ये कुछ मुगलिया के गिफ्ट नंबर दे जी बेटे, और फिर हम बच्चों से जरा कुछ बात भी करेंगे. क्या आप लोग कुछ थके थके से लग रहे हैं मुझे? जरा तालियां वालियां बजा के अपनी मौजूदगी का एहसास तो दिला दें, ये इतना अच्छा आपने बनाया हुआ है. अच्छा जी सवाल कर लूँ मैं, आप ये बताएं कि, अच्छा चलें शेर ही सुना दें, शेर सुनाना है सबने तो शेर, एक शेर मुकम्मल करें. इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल. सही है. अब कच्चा पापड़ पक्का पापड़ बोले कच्चा पापड़ पक्का, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का, ऐसे नहीं कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ कच्चा. मैं सारे काम कर लेता हूँ इस तरह ही बोले पाकड़ नहीं. एक दफा आखिरी ट्राई प्लीज भाई की खातिर प्लीज. कच्चा पापड़ पक्का पापड़. अरे यार आप कहाँ बोल रहे हैं, आपके हाथ में क्या हो गया? अच्छा अच्छा वाह, मैं समझा खल्ला ना करे. मैं माइक में रहता हूँ. कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ नहीं, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा काकड़ भी नहीं, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़. आप बोल सकते हो कच्चा पापड़ पक्का? नहीं पहले सवाल पूछा है, बोल सकते हो कि नहीं? नहीं बोल सकते. अच्छा तो बोल के आना कर से, ठीक है. चलो भाई ये कुछ है यामीन के गिफ्ट हैंपर्स आप लोगों के लिए. आए मैं इधर ऊपर भी आए बेटा, जरा सा तुम पैरों तले रोंदे जाओगे, थोड़ा साइड पे हो जाओ. अच्छा जी भाई बहुत शुक्रिया. बादाम लाई हूं मैं. बादाम लाई है आपके लिए? बादाम लाई हूं, इससे अच्छा गिफ्ट आपके लिए कोई हो ही नहीं सकता. मेरी ईद पे शादी है, मुझे अच्छे से गिफ्ट दें. इससे अच्छा गिफ्ट आपके लिए कोई नहीं हो सकता? नहीं आपके लिए, ये आपके लिए. आप मेरी ईद पे शादी में आपको इस सर पे डालडा का वॉशिंग मशीन देंगे कि आप कपड़े खुद धोएंगे? फ्रिज भी. फ्रिज तो बाद में पहले वॉशिंग मशीन दे देना. फ्रिज वो ठीक है, कपड़े खुद सारा जहेज यहाँ पे दे दें, क्या करें भाई, जहेज का प्रॉब्लम हो रहा है. असीम भाई बाजी को डालडा का वॉशिंग मशीन दे भाई, तालियां बजा दे भाई. ये बादाम बादाम रखो, ये ओवन भी, सारा जहेज एक करके देते भी आपको सबर. अच्छा जरा वहां पर तो आ जाए, आए भाई आए. अच्छा एक और शेर है मुकम्मल करें, जल्दी आओ भाई साथ आओ यार, एक शेर है मुकम्मल करें जी. ये डब्ल्यू बी भाई हिमानी के कुछ गेम. हाँ तशरीफ रखिए, फिर रो रहे इसको बिल्कुल ना रोना है. अच्छा ये एक शेर है भाई, नैरंगी सियासत दौरान तो देखिए, ये शेर सुना है किसी ने कभी? शेर नहीं. अच्छा अपना सुना दे, अपना अपना अपना. ये आंटी आप अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? अच्छा हाँ जी सुनाओ, मैं माइक मेरे हाथ में सुना. ए चांद तू चमकता है ये तेरी भूल है, तू तो खुद मोहम्मद के कदमों की धूल है. वाह 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 सुभान अल्लाह, ये बात तो सही है. अच्छा अच्छा भाई एक सवाल, ये पंजाब से? पंजाब के किस शहर से? बैठ के आराम से बैठ सकते हैं. गुजरावाला से कब आई हैं?
हमें चार रोज हो गए हैं, चार रोज हो गए। अच्छा क्या करूं? अच्छा हाँ, चार रोज। पंजाब से मेहमान आए, डालडा का माइक्रोवेव ओवन दे भाई पंजाब के मेहमान को, पंजाब पंजाब वालों के लिए। अच्छा शेर, बच्ची शेर, बच्ची सोच रही है अभी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अरहमा। कुछ सुनाएंगी? क्या सुनाएंगी? नाद। आपके बच्चों के सेगमेंट में नाद सुनते हैं, ठीक है भाई। अरहमा को बुलाएं भाई, बच्चों के सेगमेंट में बुलाएं अरहमा को। अच्छा भाई, ये आईसीसी का क्या मतलब होता है? आईसीसी क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल काउंसिल, इंटरनेशनल एनएक्स का तोहफा दे भाई इनको। अच्छा ठीक है, ये बता दें, चलो आ जाओ जल्दी आ जाओ, पाकिस्तान के कौन से खिलाड़ी थे जो अभी आईसीसी में एक बड़ी अच्छी पोस्ट पर रहे अभी हालिया दिनों में? वहां पे पूछ रहे हैं, चलो यहाँ किसी को नहीं आता। चलो भाई, पाकिस्तान के कौन से खिलाड़ी थे जो, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हम लोग ठीक ठाक हैं? ये हमारा दोस्त आ गया फिर से, अभी इससे मुलाकात होगी हमारी नेकी के सेगमेंट में। पाकिस्तान के कौन से खिलाड़ी आईसीसी में अहम अहदे पर रहे? हेलो लाइबा। थैंक यू बेटा, ये तुमने खुद लगाया। वहीद आफरीदी कौन है? सुन के बता दी, आप तो बता दो। जहीर अब्बास। चीटिंग तो सही तरीके से कर लो। हाँ, लेकिन शाहिद खान आफरीदी साहब को अभी क्रिकेट का जो ग्राउंड, किस क्रिकेट का जिसको यानी पहचान समझा जाता है, लॉर्ड्स का क्रिकेट ग्राउंड, उसमें जिस अंदाज से रुखसत किया गया माशाल्लाह, ये भी अल्लाह ताला कम लोगों को इतना मर्तबा देता है कि जिनका आना भी इतना शानदार साबित हुआ और जिनका जाना भी इतना जबरदस्त साबित हुआ। तो क्या बात है, इस बात पे तालियां होनी चाहिए भाई लाला के लिए, क्या बात है। लेकिन आईसीसी में रहे जहीर अब्बास साहब। अच्छा जी भाई, साइकिल चाहिए? साइकिल चाहिए, मैं आपको दुकान का पता बताता हूँ अभी। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्यों, सब ठीक है? जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। इतने उदास क्यों लग रहे हैं? बस ऐसे ही बैठे। कोई शेर वेर सुनाएंगे? लोग मुझे कह रहे हैं शेर सुनाएं, मैं खुद आपके पास आ गया हूँ शेर सुनने के लिए। नहीं कोई शेर थी कुछ की मोहम्मद से वफा हो, की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है कह लो कर हम तेरे हैं। इसका शेर अल्लाह अकबर। क्या नाम आपका? शराफत। खुश रहें सर, एक दफ़ा मुस्कुरा दें ज़रा। अब आपने ट्रांसमिशन के आखिर तक मुस्कुराते रहना है भाई, ठीक है भाई। अंकल को एनिक्स का इनाम दें भाई, तालियां बजा दें। अच्छा तो भाई, मैं माइक मेरे हाथ में, ऐसा लग रहा है ये सेगमेंट मुशायरे में कन्वर्ट हो गया है। हाँ, कहा उस बुत से जब मरता है मोमिन, कहा पे मैं ये करूं मर्जी खुदा की। और शेर जो सुनाने वाले थे उसका क्या हुआ? अच्छा ये हो गया शेर, ये तो वो वाला शेर लगाया मुझे, सियासी गुफ्तगू कर नहीं सकता मैं यहाँ पे। अच्छा नहीं, अच्छा अच्छा ऐसे मजाक कर रहा हूँ भाई। अच्छा हाँ भाई, क्या क्वेश्चन करूँ आपसे? हाँ, मुस्तनसर हुसैन तारड़ की स्पेलिंग बताओ। MUS उर्दू में। मुतज़लज़िलुज़ ज़मान की स्पेलिंग बताओ। उर्दू में? उर्दू में, उर्दू में नहीं, इंग्लिश में सुन लो। ये उर्दू में बताओ ना यार। चलो शेर शेर मुकम्मल करो। समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है। समझ समझ के तू ना समझे। अरे यार आप, अंकल को एनिक्स का इनाम दो भाई, अंकल कह दिया आपको, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक है। क्या नाम है आपका? राशिद। राशिद भाई की खिदमत में भी एनिक्स का ऑडियोनिक का तोहफा पेश करें भाई, राशिद भाई की खिदमत में। चलें बस आखिरी में एक सवाल। अच्छा जी, ये हमारे एक स्पेशल भाई हैं और इनको जो है वो इंडोमी की साइकिल से, ये क्या आ गया है? अस्सलाम वालेकुम। मैं कोई साइकिल बेचने के लिए थोड़ी आया हूँ भाई यहाँ। क्या नाम है आपका? नाम तो बता दो। मुनीब। मुनीब के लिए तालियां बजा दे भाई, मैं तोहफा भी लेता हूँ सर अभी आपसे। ये कौन बच्चा है? अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? हुसैन रजा। कैसे हैं आप? ठीक हूं। ठीक ठाक हैं। हुसैन रजा के लिए तालियां बजा दे भाई, हुसैन रजा को भी बुलाएं जरा, बच्चों के सेगमेंट में बुलाएं। अच्छा मैं आपसे भी सेगमेंट के बाद करता हूं बात भी। चले जनाब आखिरी सवाल, आखिरी बात जी। चलो क्या आखिरी शेर सुना दे। हर फूल की पत्ती पर नमी सी है, हर फूल की पत्ती पर नमी सी है। माइक मैंने पकड़ो। आपके आपके बगैर शाने रमजान, जुनैद भाई के बगैर शाने रमजान में कुछ कमी सी है। तालियां बजा जुनैद भाई के लिए, बहुत सारी तालियां बजा दें यार मैं। अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं, मैं कुछ बोलने वाला था, चुप हो जाऊं मैं। ठीक, एक हम ब्रेक लेते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह नेकी का सेगमेंट होगा हमारा, कि जिसमें शाहिद खान आफरीदी साहब भी मौजूद होंगे इंशाल्लाह।